आपने बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन तो सुना होगा, लेकिन अब सुनिए बुलडोजर मैन। जी हाँ, देखिए मध्य प्रदेश की सियासत में फिलहाल बुलडोजर छाया हुआ है। पहले सीएम शिवराज ने अपने एक भाषण में कहा कि मामा का बुलडोजर नहीं रुकने वाला, तो अब कांग्रेस नेता कमलनाथ को बुलडोजर मैन बोल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक, मैं हूं आकांक्षा ठाकुर। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कहा कि इस प्रदेश में अगर कोई वास्तविक बुलडोजर मैन है तो वो कमलनाथ है, जिन्होंने अपने 15 महीने के कार्यकाल में ही दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए निष्पक्ष ढंग से माफियाओं के खिलाफ अपना बुलडोजर प्रदेश भर में चलाया था। मिलावटखोरों के खिलाफ चलाया उन्होंने बुलडोजर। उनके बुलडोजर के डर से तो कई माफिया प्रदेश छोड़कर भाग गए थे। कई माफियाओं को उन्होंने अपनी सरकार में गड्ढा करके जमीन में गाड़ दिया था और बीजेपी ने इन्हीं माफियाओं के साथ मिलकर कांग्रेस की सरकार गिरा दी। और जैसे ही शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने तो शिवराज सरकार में ये सारे माफिया जो कांग्रेस सरकार में जमीन में गड़े थे वो निकल कर बाहर आ गए। ये शिवराज सरकार की सच्चाई है और वही शिवराज जी आज खुद को बुलडोजर मैन के रूप में अपने समर्थकों से प्रचारित करवा रहे हैं, जबकि पूरा प्रदेश इस सच्चाई को जानता है कि शिवराज जी ने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के बड़े बड़े दावे किए थे। उन्हें 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ने की बात कही थी, लेकिन आज तक एक भी बड़े माफिया के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज भी प्रदेश में भूमाफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, राशन माफिया सहित सारे माफिया सक्रिय हैं और बेखौफ होकर अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही नरेंद्र सलूजा ने कहा कि शिवराज जी सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए कमलनाथ जी की नकल करने में लगे हैं, जबकि पूरा प्रदेश जानता है कि शिवराज जी के बुलडोजर की एक आंख बंद है और उनका बुलडोजर सिर्फ राजनीतिक फायदे के हिसाब से चलता है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने यह भी कहा कि सीएम शिवराज जी का बुलडोजर बीजेपी नेताओं के ऊपर नहीं चलता जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने ये भी सवाल किया कि ये कैसा बुलडोजर है जो पार्टी देखकर, व्यक्ति देखकर और समय देखकर और चेहरा देखकर चलता है। शिवराज जी खुद को बुलडोजर मैन के रूप में अपने समर्थकों से प्रचारित कर रहे हैं, जबकि पूरा प्रदेश सच्चाई को जानता है कि यदि प्रदेश में कोई असली बुलडोजर मैन है तो वो कमलनाथ है, क्योंकि कमलनाथ जी ने अपनी 15 माह की सरकार में माफियाओं को, मिलावटखोरों को जमीन में गाड़ा था। उनके डर से माफिया प्रदेश छोड़ के भाग गए थे। माफियाओं के खिलाफ उन्होंने प्रभावी ढंग से, निष्पक्ष तरीके से पूरे प्रदेश भर में कार्रवाई करी थी, जिसकी आज भी प्रदेश के नागरिक सराहना करते हैं। और जैसे ही कमलनाथ जी की सरकार इन माफियाओं के साथ मिलकर भाजपा ने गिराई, उसके बाद शिवराज सरकार आते ही सारे जमीन में गड़े माफिया वापस बाहर निकल गए। आज वे माफिया बेखौफ होकर अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं, तो पूरा प्रदेश जानता है कि शिवराज जी की सरकार में तो माफिया बेखौफ होकर जी रहे हैं। रेत माफिया हो, शराब माफिया हो, राशन माफिया हो, भू माफिया हो, सारे माफिया खुले में अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। पूरे शिवराज सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में एक भी बड़े माफिया के ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। दावे तमाम किए जाते रहे, गड्ढे में गाड़ने की बात की जा रही, लेकिन आज तक एक भी माफिया जमीन में नहीं गड़ा। और शिवराज सरकार में तो इन माफियाओं को खुलेआम संरक्षण है, और शिवराज जी जो खुद को बुलडोजर मैन के रूप में प्रचारित कर रहे हैं, उनका बुलडोजर की तो आंखें बंद है। उनका बुलडोजर भोपाल की उस गौशाला के संचालिका जो भाजपा नेता उसके ऊपर नहीं चलता, जिसके गौशाला में सैकड़ों गायों की मौत हुई। उनका बुलडोजर उनके विधायक रामेश्वर शर्मा के उस समर्थक पर नहीं चलता जिसमें बेरागढ़ में यौन शोषण का आरोप है। उनका बुलडोजर यदि बात करें तो भाजपा के संगठन महामंत्री के भाई पर नहीं चलता जिस पर राशन घोटाले का आरोप है। उनका बुलडोजर न व्यापम के घोटालेबाजों पर चलता है, न पेंशन के घोटालेबाजों पर चलता है, न ई टेंडर के, न राशन के घोटालेबाजों पर चलता है। उनका तो पक्षपात तरीके से बुलडोजर चलता है, राजनीतिक प्रतिशोध से चलता है, चेहरा देखकर, पार्टी देखकर उनका बुलडोजर चलता है। पूरा प्रदेश सच्चाई को जानता है कि प्रदेश में यदि कोई असली बुलडोजर मैन है वो सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ है। देखिए, उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर कमाल कर गया, यानी कि बीजेपी को जीत मिली। यही कमाल बीजेपी मध्य प्रदेश में भी करना चाहती है, इसलिए यहाँ मामा का बुलडोजर नारा दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी इसी लाइन के साथ अगले विधानसभा चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है, जो कि 2023 में है। लेकिन अब बुलडोजर मामा के साथ रेस में कमलनाथ कांग्रेस के बुलडोजर मैन बनकर मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर किसका बुलडोजर मध्य प्रदेश की सियासत में टिक पाता है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।